हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लाइव मार्केट में आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा कैंडल डोजी है, कौन सा कैंडल डोजी नहीं है। अगर आप डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप बहुत हद तक ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ट्रेंड रिवर्सल के कारण बहुत सारे लोगों को लॉस उठाना पड़ जाता है और वहां पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं वो अर्न नहीं कर पाते। अगर आप डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप ट्रेंड रिवर्सल को बहुत हद तक आइडेंटिफाई कर पाएंगे और वहां से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे और अपना लॉसेस भी अवॉइड कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक डिस्कस किया था, तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक नहीं पता है तो आप पहले वो वीडियो जरूर देख ले। उसमें हमने बताया था कि कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है, कब रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, कब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, कैंडल के कौन से पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं, कौन से पार्ट को शैडो बोलते हैं, वो सब चीज हमने बेसिक वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, पहले आप वो वीडियो देख ले, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो टॉपिक में आने से पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ अप स्टॉक या फिर जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको फ्री एडवाइजरी और टेक्निकल टिप्स मिलता रहेगा, हम आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने में भी हेल्प करेंगे। आप स्टॉक या फिर जीरोधा के द्वारा जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा हम उसका फ्री ट्यूटोरियल देंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनी जो कि वीकली और मंथली बेसिस पे आता है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताएंगे जिससे कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं। तो अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं और यहाँ पे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है जब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस आर वर्चुअली और ऑलमोस्ट इक्वल होता है। जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट कोई भी ट्रेंड के टॉप या फिर बॉटम में फॉर्मेशन होता है। यदि वो अप ट्रेंड है तो उसके टॉप पे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा और वहां से वो इंडिकेट करेगा कि यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा वहां पे डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन बॉटम में होगा और वो आइडेंटिफाई करेगा कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और यहां से मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो यहां पे आप राइट हैंड साइड में जो पिक है वहां पे आप देख सकते हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल है। दो कैंडलस्टिक है डोजी का, दोनों में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल ही है। और यहाँ पे आप फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजी भी देख सकते हैं जो कि होता है न्यूट्रल डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम न्यूट्रल डोजी के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूट्रल डोजी को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो बॉडी पार्ट है उसके ऊपर और नीचे लाइन ऑलमोस्ट इक्वल होता है, यानी देखने में इक्वल लगे, तो उसको हम न्यूट्रल डोजी बोलेंगे। तो आप न्यूट्रल डोजी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसके लिए हम लाइव मार्केट में चलते हैं। यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपका न्यूट्रल डोजी का फॉर्मेशन हो रहा। न्यूट्रल डोजी का आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डोजी का होना चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ओपन हाई लो क्लोज देख सकते हैं। तो इस कैंडल का हम देखते हैं ओपनिंग प्राइस क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ओपनिंग प्राइस है 11,699 और क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो है 11,700, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट और वर्चुअली इक्वल है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल करता है। दूसरा क्राइटेरिया ये होना चाहिए न्यूट्रल डोजी का कि ये जो बॉडी पार्ट है उसके ऊपर भी जो शैडो है और उसके नीचे जो शैडो है दोनों इक्वल दिखना चाहिए। तो इसका जो बॉडी पार्ट देखिए एकदम छोटा सा बॉडी पार्ट है और इसके ऊपर जो शैडो बना है और नीचे जो शैडो बना है दोनों ऑलमोस्ट इक्वल सा दिख रहा है, तो ये एग्जैक्ट आपका न्यूट्रल डोजी है। लेकिन एग्जैक्ट न्यूट्रल डोजी और सब जगह मिल पाना मुश्किल है, तो इसीलिए दो तीन पॉइंट ऊपर नीचे हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपका एग्जैक्ट न्यूट्रल डोजी मिल चुका है। तो इसमें आप कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो इससे पहले देखिए मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल शो किया था, उसके बाद ये मेजर रेड कैंडल फॉर्म हुआ मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड गया, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद डोजी का फॉर्मेशन हुआ। तो डोजी का फॉर्मेशन होते ही यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला, मतलब जो मार्केट फॉल हुआ था अब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल गया और उसके बाद फिर से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल फॉर्म किया और ये भी एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल है जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ डोजी पे फोकस करते हैं। तो उसके बाद देखिए जैसे ही ये डोजी फॉर्मेशन किया उसके बाद
ट्रेंड रिवर्सल का ये इंडिकेशन दे दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। और यहाँ पे जो मार्केट फॉल हुआ ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल बनाया, और ये भी यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर सकता है और उसके बाद ये डाउनफॉल हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा, अगर आपने न्यूट्रल डोजी को आइडेंटिफाई कर लिया तो यहाँ से आपने अप ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर लिया और डाउन ट्रेंड को भी बहुत हद तक पता लगा लिया कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से जो आपको लॉस होना था वो लॉस नहीं हो पाएगा और आप लॉस के जगह पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो ये तो फर्स्ट हमने न्यूट्रल डोजी का देखा, अब हम सेकेंड डोजी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट डोजी की बात करें तो वह है लॉन्ग लेग्ड डोजी। तो इसमें आपका बॉडी का पार्ट तो एकदम छोटा सा ही रहेगा, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन इसका जो लेग है यानी शैडो है वो ऊपर और नीचे दोनों काफी लंबा रहेगा। न्यूट्रल डोजी में जो शैडो पार्ट था वो उतना लंबा नहीं था, लेकिन लॉन्ग लेग डोजी में इसका जो लेग होगा वो लंबा होगा, यानी शैडो का पार्ट होगा वो न्यूट्रल वाले से ज्यादा लंबा होगा। तो इस डोजी को हम लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉन्ग लेग्ड डोजी है। सबसे पहले डोजी का क्या क्राइटेरिया होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ओपन हाई लो क्लोज दिख रहा है, तो इस कैंडल का देखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस क्या है। इसका अगर आप ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो ओपनिंग प्राइस है 11,626 और क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 11,628, यानी 2 पॉइंट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस है। तो ये डोजी हो जाएगा। और लॉन्ग लेग डोजी में इसका जो शेडो वाला पार्ट है, जो लाइन वाला पार्ट है, वो लंबा होना चाहिए, यानी लेग इसका लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लेग इसका लंबा है। लॉन्ग लेग और न्यूट्रल डोजी दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल डोजी है, इसका जो लेग है यानी शेडो पार्ट है वो छोटा है और इसका जो शेडो पार्ट है वो उससे लंबा है। तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है। और यहाँ पे देखिए ये भी ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है, यहाँ से ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो उससे पहले क्या हुआ, मार्केट ऊपर आ रहा था, थोड़ा सा ऊपर आया, उसके बाद तो जैसे ही लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म हुआ उसके बाद मार्केट फॉल हुआ है, और उसके बाद जब मार्केट ऊपर गया तो ये भी करीब करीब आपका लॉन्ग लेग ही डोजी यहाँ पे फॉर्म किया। एग्जैक्ट लॉन्ग लेग डोजी नहीं है लेकिन करीब करीब इसको आप लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हैं। इसका नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला शैडो वो थोड़ा सा छोटा है और ऊपर वाला शैडो थोड़ा सा लंबा है, तो ये करीब करीब लॉन्ग लेग डोजी की तरह है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिल सकता है जो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 बार यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और डोजी जो यहाँ इंडिकेट करता है ना तो ज्यादा बायर्स एक्टिव है और ना ही ज्यादा सेलर्स एक्टिव है। कि डोजी का फॉर्मेशन किस तरह से होता है यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। इस कैंडल पे देखिए इसका जो ओपनिंग प्राइस है 626 यानी 11,626 पे ओपन हुआ है, उसके बाद ये जो हाई गया है वो 11,643 हाई गया, यानी अगर ये ऊपर गया है तो ऊपर भी इसको कोई बायर्स नहीं मिला। उसके बाद फिर ये नीचे आया, यानी 11,611 का लो टच किया, नीचे भी इसको कोई सेलर नहीं मिला। तो ये जहाँ पे ओपन हुआ है करीब करीब वहीं पे जाके ये क्लोज हुआ, यानी 11,628 पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना ही बायर्स ज़्यादा एक्टिव है ना ही सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। तो इस तरह से आपने देख लिया लॉन्ग लेग डोजी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसके हिसाब से हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक उल्टा टी के फॉर्मेट में होगा, यानी जैसे आप सीधा टी लिखते हैं ये उल्टा टी कर देंगे तो उस तरह से इसका फॉर्मेट होगा। और इसमें जो बॉडी होगा एकदम नीचे होगा और बॉडी के ऊपर का पूरा पार्ट शेडो होगा। तो ये होता है ग्रेवस्टोन डोजी। अब इसको हम लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ऑलमोस्ट ग्रेवस्टोन डोजी की तरह, परफेक्टली ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है। अगर आप इसका ओपनिंग प्राइस देखें तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो है 11,775 और जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 11,781, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में 6 पॉइंट का डिफरेंस है। तो जिसके कारण से ये परफेक्टली ग्रेवस्टोन डोजी तो नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट आपको ग्रेवस्टोन डोजी की तरह, यानी उल्टा टी के तरह। तो ग्रेवस्टोन डोजी आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके करीब करीब भी मिलता है तो वो एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। यानी न्यूट्रल डोजी और लॉन्ग लेग डोजी के कंपेरेटिव ये ग्रेवस्टोन डोजी ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उससे पहले जो मार्केट एकदम अप ट्रेंड में था, तो जैसे ही इस तरह का डोजी फॉर्मेशन हुआ, यानी करीब करीब ये ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हुआ, उसके जस्ट बाद मार्केट ने पूरा डाउन ट्रेंड शो करना स्टार्ट कर दिया। और ग्रेवस्टोन डोजी
क्यों इंडिकेट करता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो 11,775 पे ओपन हुआ, उसके बाद ये जो हाई गया 11,796 का हाई गया, वहाँ पे इसको कोई बायर नहीं मिला, उसके बाद ये डाउनफॉल होते होते 11,781 के करीब क्लोज हुआ, यानी जहाँ पे ओपन हुआ उसी के करीब क्लोज हुआ और इसके ऊपर इसको कोई बायर नहीं मिला है। तो इसका क्या इंडिकेट करता है, जो अब बायर्स मार्केट से बाहर जा चुके हैं, इसके बाद सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं। तो यहाँ से एक ये मेजर ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। तो हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक के बारे में देखते हैं, जो कि है ड्रैगनफ्लाई डोजी। ड्रैगनफ्लाई डोजी ग्रेवस्टोन डोजी के बिल्कुल अपोजिट है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका, ये आपका टी शेप में मिलेगा, इसको हम बोलते हैं ड्रैगनफ्लाई डोजी। अब इसको हम लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं, ये आपका ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ड्रैगनफ्लाई डोजी है। इसका अगर हम ओपनिंग प्राइस देखें तो ओपनिंग प्राइस है इसका 11,271 और क्लोजिंग प्राइस देखें तो 11,272, और ये ऑलमोस्ट आपका टी शेप में भी है और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के डिफरेंस भी 1 पॉइंट का है। तो ये आपका परफेक्टली एक ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और उसके नीचे वाला पार्ट देखें तो सिर्फ शेडो है, यानी सिर्फ लाइन है। अब इसका आप इम्पैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे पहले मार्केट अप ट्रेंड में था और जैसे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का क्रिएशन हुआ है उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड शो कर दिया, यानी फॉल हुआ है। यहाँ पे एक चीज और आप गौर कर सकते हैं, कंप्लीट आपका यू शेप बना रहा और यू शेप के एकदम मिडिल में ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो ये आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी का किस तरह से इम्पैक्ट होता है। दो डोजी है जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई। इसका एक्यूरेसी और इम्पैक्ट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल डोजी और लॉन्ग लेग डोजी। तो इस डोजी क्रिएशन का क्या मतलब हुआ, ये जो डोजी क्रिएट हुआ ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अभी कोई बायर एक्टिव नहीं है, और इसके जस्ट बाद देखिए रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये ऑलमोस्ट आपका न्यूट्रल डोजी की तरह फॉर्मेशन हुआ है। तो एक और डोजी यहाँ पे क्रिएशन हो गया और इसके बाद मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड शो कर दिया। तो अगर आपका डोजी का नॉलेज रहेगा, आपको पता होगा डोजी कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यहाँ पे आपका 2 डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे ही डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, यानी तो अगर आपका बाइंग पोजिशन है तो आप यहाँ पे बाई पोजिशन को एग्जिट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो लॉस होने वाला था वो लॉस अवॉइड हो पाएगा और यहाँ से आप सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने डोजी कैंडलस्टिक के बारे में स्टडी किया, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल होते हैं जो कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यानी तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।